खरगोश के कान वाली निंजा टेक्निक डिंग डिंग। और फिर सारी दुनिया घूमने के बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है। अपने हाथ ऐसे कमर पर रखो और जंप करो। अगर किसी से कोई गड़बड़ हुई तो उसका चेहरा भी मेरे चेहरे की तरह पिचक जाएगा। इतने खुश कैसे हैं? और सभी लोग डेक पर जमा हो गए। सुनो अक्के नीचे, वो कितने खुश हैं। काश अगर मैं भी उनकी बातें सुन पाता तो कितना मजा आता। तुमने सुना नहीं केनिचे? केनिचे, क्या तुम्हारे कानपुर में हड़ताल चल रही है? अरे ये क्या, वो दोनों मेरी तरफ इशारा करके क्यों हंस रहे हैं? अमारा का बच्चा मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब यूमिको भी इसके साथ हो गई है। देखो यूमिको, इस बार पिग जैसा चेहरा बन गया है। हाँ सही कहा, बादलों में भी कितने अजीब अजीब शेप छिपे होते हैं ना। लेकिन आखिर वो मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे थे? काश मेरे कान दूर हो रही बातें भी साफ साफ सुन पाते तो कितना अच्छा होता। हथौड़ी, प्लीज मार्केट से सब्जी ला दोगे? मैं अभी गया और अभी आया। डिंग डिंग। केनिची, काश तुम भी हथौड़ी की तरह मेरी मदद कर पाते तो मुझे बहुत खुशी होती। अरे मैं तो हथौड़ी को फिश खरीदने के बारे में बोलना ही भूल गई। हथौड़ी। डिंग 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 डिंग। मम्मी, क्या आपने मुझे आवाज दी थी? मुझे पता है आपको फिश चाहिए। हथौड़ी, क्या तुमने मेरी बात सुन ली थी? कमाल है। अच्छा तो इसका मतलब एक निंजा दूर की आवाजों को भी सुन सकता है। हाँ, मैं दूर की आवाजों का आसानी से सुन सकता हूँ। और मैं भी। अच्छा इस घंटी की आवाज सुनो, अब मैं इसे बहुत दूर से भी बजाऊंगा और तुम सुनकर बताना कि सुनाई दे रही है या नहीं। ठीक है, शुरू करें। डिंग 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 डिंग। सुनाई दे रही है। बिल्कुल साफ साफ। डिंग 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 डिंग। हाँ मैं सुन सकता हूँ। और मैं भी। मुझे भी अच्छी तरह सुनाई दे रही है। डिंग 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 डिंग। मुझे साफ सुनाई दे रही है। मुझे भी। भले भाई, इतनी दूर से तो कोई भी आवाज आसानी से सुन लेगा। जरा और दूर जाओ। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वही तो, उतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या कल तक मेरी सुनने की शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है? भले भाई, अगर हम खरगोश के कान वाले निंजा टेक्निक यूज करें तो? लेकिन वो टेक्निक तो। क्या कहा, खरगोश के कान वाली निंजा टेक्निक क्या होती है? इस निंजा टेक्निक से तुम्हारे सुनने की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे कान खरगोश के कान जितने तेज हो जाएंगे। हाँ तो फिर जल्दी करो, शुभ काम में देर किस बात की हथौड़ी। लेकिन इस टेक्निक के काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स? जो खरगोश को भी होते हैं। अगर तुम किसी चीज से चौंक गए तो तुम हर जगह कूदोगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। हथौड़ी प्लीज इस पर निंजा टेक्निक कर दो ना। मुझे तो मुसीबत के आने की आहट सुनाई दे रही है। खरगोश के कान वाली निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। वैसे ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? इतना जोर से चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो हथौड़ी? खरगोश के कान वाली निंजा टेक्निक आशा शुरू हो गया है। ये पापा के आने की आहट है। मैं घर आ गया। आप आ गए? मम्मी, मैं बच्चों के लिए केक लाया हूँ। अभी डिनर का समय हो गया है, मैं चुपचाप जाकर इसे फ्रिज में रख देती हूँ और कल बच्चों को दूंगी, ठीक है? हाँ, ये अच्छी बात नहीं मम्मी। बहुत बुरी बात है। क्या मैं वो केक खा लूँ जो आपने छुपा कर रखा है? केक? कौन सा केक? वही केक जो पापा हम बच्चों के लिए अभी लेकर आए हैं और आपने उसे छुपा दिया है। हमेशा मालूम है। तुम्हारे कान तो बहुत तेज है, अजीब बात ये है। ये खरगोश के कान वाली निंजा टेक्निक का कमाल है। तुम्हारा शुक्रिया हथौड़ी, अब मैं जाकर सो जाता हूँ। बहुत अच्छे केनिची, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। डिंग डिंग डिंग। गुड नाइट।
यहाँ रहो। मुझे प्लीज सोने दो। ये कैसी भयंकर आवाज है? ये तो कॉकरोच के चलने की आवाज है। मैं पागल हो जाऊंगा। अब वो क्या है? प्लीज कोई इन आवाजों को बंद करो, मुझे सोना है। हथौड़ी मेरी मदद करो। प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। जिमी रुक जाओ। इस निंजा टेक्निक ने तो मेरे कानपुर का तानपुरा बजा दिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, नेचर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डिंग डिंग। शिशि मानू बन गया पेंटर। डिंग डिंग। ड्राइंग का होमवर्क करने के लिए ये जगह सबसे अच्छी है, लेकिन होमवर्क बहुत मुश्किल है। ये अच्छा नहीं है, मुझे निकलना। वाह, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। सच में? सब हाथ से करते हैं, मैं पैर से करूंगा ड्राइंग। मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा दिखाओ तो क्या बनाया है तुमने? ये तुम्हारे दिमाग का बच्चा है क्या? डिंग 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 डिंग। केनिची जल्दी उठ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। मुझे नींद आ रही है। उठ जाओ केनिची। मुझे नींद आ रही है थोड़ी। लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे। और क्या कर रहे हो? मुझे सोने दो, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। इसीलिए तो इसे उठा रहा था। अरे मेरा ड्रॉइंग होमवर्क तो रह ही गया थोड़ी। डिंग 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 डिंग। अरे इनमें से कौन सा है? ड्रॉइंग ही तो है, कोई भी चल जाएगी। डिंग 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 डिंग। ये लो केनिची, तुम्हारा ड्रॉइंग होमवर्क। अरे वाह, थैंक यू हथौड़ी। चलो सब बच्चे अपना अपना होमवर्क डेस्क पर रख लो, मैं चेक करूंगा, ठीक है? यस सर। केनिची तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर वो लाओ दिखाओ मुझे। हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? ये तुमने बनाया है? नहीं, असल में ये मेरे डॉगी ने बनाया है और मैं गलती से इसे ही ले आया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। डॉगी ने बनाया? सच मुझ क्या बात है। अब तो मेरा बैंड बस बज ही जाएगा, समझो। क्या टैलेंटेड डॉगी है। क्या केनिची, बड़े बड़े कलाकार भी ऐसी ड्राइंग नहीं बना पाते। तो हम सबको ये ड्राइंग दिखा कर एक नया अजूबा पेश करेंगे कि डॉगी भी कितने टैलेंटेड हो सकते हैं। देखना सबके होश उड़ जाएंगे। अच्छा तो क्या तुम मेरे लिए एक ड्राइंग बना दोगे जिसे मैं एग्जीबिशन में रख सकूं? ओ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। उसके लिए मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा शिशि मारू। ठीक है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। क्या ये शिशिमानु सच में एक शानदार ड्राइंग बना पाएगा शिंजो? हाँ पता, पर इसने मुंह में चॉकलेट और क्यों रखा है? तुम कैसे भूल सकते हो शिंजो, वो उसे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, ये जगह सही है, यहाँ रख दो। कैनवस को वहाँ लगा देते हैं ना? नहीं नहीं, वहाँ मेरा मूड नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रख दो। हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना शिशिमानु, थोड़ा पीछे करो, पीछे पीछे पीछे, जल्दी। मतलब है तुम्हारा आज कुछ ज्यादा ही ऑर्डर दे ले हो तुम हम लोगों को। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा नहीं, आगे आगे, कभी आगे कभी पीछे। अरे क्या मुसीबत है? गोली तो तुमने ही पाली है, अब झेलो इसे। चुप रहो, मुझे काम करने दो। ये कितना अच्छा लग रहा है ना? शायद इसमें कुछ बात तो होगी ही। अरे ये क्या हो गया? डिंग डिंग। ये क्या, मेरी पेंटिंग पे हवा फेर दी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल कुछ ऐसा जिससे इसका टैलेंट और साफ दिखने लगेगा। टीचर को भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे शिशि मानू के बारे में ऐसा कभी नहीं लगा। देखो, 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 देखो
अरे वहाँ देखो। सब मुझे देख रहे हैं। बाबा रे, ये लोग यहाँ कब आए? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? मेरे में टैलेंट कूट कूट के भरा है। केकड़े की तरह चलने की निंजा टेक्निक। अब मेंढक की बारी। अब स्नेल की चाल। अब देखो मेरा अगला कमाल और धमाल। ताशिशी मानु का दिमाग खराब हो गया। ये है गिलहरी की तरह उड़ने की निंजा टेक्निक। वाओ, क्या बात है, मजा आ गया है ना? बंदरों की जगह आजकल डॉगी नाचने लगे हैं। सही कहा। मैं कोई जमूरा नहीं हूँ, एक डॉगी हूँ। अच्छा, तो ये डॉग शो है? ये डॉग शो नहीं, पेंटिंग शो है। सचमुच इस तरह की ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल काम है। आपका डॉग शो तो बहुत ही बढ़िया था। शीशी मानू, डिंग डिंग डिंग। वाह वाह वाह, क्या कमाल की पेंटिंग है। इसे बनाने वाला कोई बहुत अच्छा कलाकार ही होगा। मैंने ऐसा मास्टरपीस आज तक नहीं देखा। ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है। तो ये शानदार पेंटिंग वाकई तुमने बनाई है? क्या बात है, बहुत खूब। क्या मैं तुम्हारी ये पेंटिंग खरीद सकता हूँ? सच में? लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम इन फिश पाइप से काम चला लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मुझे बहुत ही पसंद है। शुक्रिया आपका। चलो अच्छा है कि मैं पकड़ा नहीं गया। क्या कह रहे हो सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो पेंटिंग किसी ने खरीद ली है। लेकिन यही सच है केनिची। हाँ? मैंने खुद उस आदमी को शिशिमानु की पेंटिंग खरीदते और उसकी तारीफ करते हुए देखा है, सच में। हाँ? क्या बात है। देखो मुझे क्या मिला। हाँ? मैं कमाल की पेंटिंग बनाता हूँ, इसलिए मैं एक और पेंटिंग बनाऊंगा। हाँ? लगता है गलती से मैं इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर गया। डिंग डिंग, केनिची की फोटोग्राफी। डिंग डिंग, ये क्या है, इनमें से मैं कोई भी फोटो नहीं ले सकती। तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगा युमिको? तो बताओ ये कैसी है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इनमें से कोई भी नहीं चलेगी। मुझे एक अलग ही तरह की फोटो चाहिए। मैं समझ गया, अब जरा इसे तो देखो। ये क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इतने बड़े अखबार में ऐसी बकवास फोटो नहीं लगाई जाती है? सुनो युमिको। युमिको ऐसा क्यों कह रही है, मैंने तो कितनी मुसीबत झेल कर ये फोटो ली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने इतनी मुश्किल से खुद को बचाते हुए ये फोटो ली थी। वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नीचे तो मैं ना इस तरह की फोटो खींच कर लाओ। वाह, क्या बात है। ये फोटो अखबार में जरूर छप सकती है। और यही फोटो होगी वो अलग सी फोटो। शिंजो, तुमने ये फोटोज ढूंढकर बहुत समझदारी का काम किया है, मुझे तुम पर नाज है। हम निंजा का एक उसूल है, जब दिमाग में आइडिया ना हो तो किताब में ढूंढना चाहिए। नीचे फोटो खींचो। थोड़ा पास जाकर लेता हूँ। शोर मत करो वरना पक्षी उड़ जाएंगे, इसलिए यहीं से फोटो ले लो, मैं उसकी तैयारी कर देता हूँ। डिंग 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 डिंग। दाई ओर उस पहाड़ी पर चलते हैं। डिंग 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 डिंग। यहाँ से फोटो कैसी आएगी? मुझे इनके और भी करीब जाना है। डिंग डिंग। एक अलग सी फोटो, बिल्कुल अलग सी फोटो। हो
फोटो तो कमाल की होगी। हाँ? नहीं, शिशी मानो, मुझे माफ कर दो। लगता है ये जगह ठीक नहीं है, पेड़ के ऊपर से फोटो लेंगे तो ज्यादा अच्छी आएगी। तो शुभ काम में देर किस बात की, मुझे तो बस किसी भी तरह अलग से फोटो चाहिए। तो चलो चलकर खींचते हैं। हाँ चलो। शिशिमानो तुम यहीं पर रुको वरना वहाँ कुछ गड़बड़ कर दोगे, समझे? डिंग 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 डिंग, आ जाओ केनिची। डिंग डिंग। क्या हुआ केनिची? मैं जानता हूँ, मुश्किल से फोटो ऐसे ही ली जाती है। डिंग 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 डिंग, यहाँ से और अच्छी फोटो आएगी, आ जाओ यहाँ पे। देखो, वाह, ये जगह ठीक है हथौड़ी, मुझे कसकर पकड़े रहना, मैं फोटो खींचता हूँ। डिंग 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 डिंग, बहुत बढ़िया, अब खींचता हूँ। अच्छी फोटो खींचना मुश्किल काम है, मुझे अलग से फोटो लेनी है, फोटो लेकर ही आऊंगा। डिंग डिंग, पक्षियों की भाषा की निंजा टेक्निक, मेरी बात समझ सकती हो? तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? बोलो। हाँ, शुक्रिया, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं भूल सकता। देखना दोस्तों, आज मैं अकेला ही एक शानदार फोटो लेकर आऊंगा। प्लीज पक्षियों, तुमसे रिक्वेस्ट है, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। हाँ? वो रहे पक्षी। अरे वाह, मुझे एक अलग सी फोटो मिल गई। नीचे वहाँ देखो, कितने सुंदर लग रहे, देखो देखो। हाँ? अरे वाह, तुम्हें एक और अच्छी फोटो मिल गई, क्या बात है? क्या बात है, अब मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया हूँ। डिंग डिंग, आज मेरी किस्मत की तो निकल पड़ी, मुझे बहुत सारी अच्छी फोटो मिल गई। ये क्या, मैं तो कैमरे के अंदर फिल्म डालना ही भूल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ी गड़बड़ हो गई। डिंग डिंग, लगता है बले भाई को ये चक्कर चला रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ज्यादा ही बड़ा चक्कर लगता है। डिंग डिंग, इनसे बात करते करते कहीं मैं ही बत्तख ना बन जाऊं।